बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका स्वागत है। कुछ अच्छी खबरों के साथ, कुछ पॉजिटिव खबरों के साथ। कुरुक्षेत्र में कोरोना के केस कुछ कम हुए, एक्टिव केस कुछ कम हुए हैं। कारण क्या रहा और आगे स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, इस पर हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के CMO डॉक्टर संत कुमार वर्मा जी से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि कोविड का स्टेटस क्या है और लड़ाई कितनी लंबी चल सकती है, और साथ में वैक्सीनेशन के मुद्दे पर बात होगी। कई अहम मुद्दे रहेंगे। अब इस पोस्ट को शेयर कीजिए और लाइक करके अंत तक देखिए। डॉक्टर वर्मा, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, एक अहम सवाल है, कोविड के केसों का जो एक्टिव केसेस कुरुक्षेत्र में कुछ कम हो रहे हैं, तो आप आंकड़ा बता सकते हैं कितने कम हुए, स्थिति क्या है इस समय? जब मैंने यहाँ पे पिछले हफ्ते जब ज्वाइन किया था तो 2500 से भी ज़्यादा केसेस एक्टिव केस थे, और रोज़ के लगभग जो ना 300 के करीब जो ना 250-300 केस पॉजिटिव आ रहे थे। इन दिनों में एक हफ्ते के अंदर ये जो ट्रेंड है ये काफ़ी कम हुआ है। जैसे 100-150 सैंपल्स वो जो टेस्ट जो कम पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आज की डेट में अगर देखें तो हमारे पास टोटल जो है एक्टिव केसेस जो हैं 1742 हैं आज, जो आज की रिपोर्ट मिला करके। और इस तरह से हम देखते हैं कि रोज़ के ऑलमोस्ट 100 केसेस डाउन हो रहे हैं, और जिनमें से होम आइसोलेशन पे हमारे 1331 लोग हैं, और जो एडमिटेड केस हैं जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर है 74 केसेस आज की डेट में एडमिट हैं। इसके अलावा 337 केस जो हैं दूसरे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। तो पहले से हालांकि एडमिशन तो लगभग उतना ही है, लेकिन जो एक्टिव केस है वो कम होने शुरू हो गए हैं। हमने एक और अभियान चलाया, जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, हरियाणा विलेजर्स जनरल हेल्थ चेकअप स्कीम, उसके तहत हम गाँव-गाँव के अंदर हाउस टू हाउस विजिट करवा रहे हैं अपनी हेल्थ टीम की, जिसमें 4-4 मेंबर होते हैं। वो हर घर में जाते हैं, पता करते हैं कितने लोग वहाँ पे घर में रह रहे हैं, उनमें कोई पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में तो नहीं आया। अगर कोई सस्पेक्टेड केस मिलता है तो उसका वो फॉर्म भर के फिर उसको विलेज हेडक्वार्टर टीम, एक दूसरी टीम होती है उसके पास वो रेफ़र करते हैं, जहाँ वो उसकी सैम्पलिंग भी करते हैं, टेस्ट करवाते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है ऐसे स्टेज पर किया जाता है ताकि इमीडिएटली हमें पता लग जाए कि पॉजिटिव तो नहीं है। जैसे आज भी जो हमारे पास जो पॉजिटिव केस निकले हैं, 7 केस जो है ना फील्ड के अंदर निकले हैं, 74 लोगों के सैंपल्स जो टेस्ट किए गए आज, तो 7 उसमें पॉजिटिव निकले हैं जिनको अप्रोप्रिएट सेंटर्स पे रख लिया गया। बेसिक पर्पस जो ये विलेज हेल्थ टीम का चेक करने का ये है कि एक हम देख पाएँ कि गाँव में कितना केसेस बढ़ रहे हैं, ताकि उनको जल्दी से कंट्रोल किया जा सके। सर, गाँव की बात होती है, मुख्यमंत्री खुद, स्वास्थ्य मंत्री और सभी सरकार गाँव की तरफ फोकस कर रही है, तो अभी गाँव में कुछ मेंटेलिटी इस तरह टेस्ट नहीं करवाना और कोई अंधविश्वास, इस तरह की भ्रांतियाँ गाँव में है, जो हॉस्पिटल जाएंगे तो वापस जिंदा नहीं आएंगे, ऐसे कई बातें अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। तो माइंड सेटअप चेंज करने के लिए, मतलब पॉजिटिव करने के लिए उनको कि कोरोना बीमारी है, ठीक हो सकती है, क्या प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग? अभी जैसे हमारी जो टीम विजिट कर रही है, लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, वो वैक्सीनेशन के लिए भी आगे बढ़ के आ रहे हैं, साथ में जो ना अपना सैंपल टेस्ट करवाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। जैसे आज की डेट में जो टोटल हमारे सैंपल हुए हैं, 2500 से ऊपर सैंपल्स आज टेस्ट के लिए लिए गए हैं। जी हाँ, तो इससे दिखता है कि लोग जो ना अब समझने लगे हैं, और उनको ये भी पता लगने लग गया है कि बीमारी जो है किस तरह से फैलती है, कितनी खतरनाक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये उनको समझ में आने लग गया है। और ये बहुत अच्छी बात है जो हम महसूस कर रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं बढ़ के। वैक्सीनेशन के लिए जैसे आप देखें हर जगह पे डिमांड बढ़ रही है, लोग चाह रहे हैं कि भी कैंप्स में वो अपना वैक्सीनेशन करवाएं, अपने घरों के आसपास करवाएं। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो वैक्सीनेशन सप्लाई मिल रही है हम उसको फुली यूटिलाइज करें। इन दिनों में थोड़ी सी सप्लाई की दिक्कत है, आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि वैक्सीन काफ़ी संख्या में मिल जाएगी हमें, और इससे हम जो ना मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। आज हमारे यहाँ पे 2680 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया जिले के अंदर, सप्लाई कम है इसलिए फिगर कम। सर, थोड़ा समय पहले जब हमने वैक्सीनेशन पहला टीका लगवाया था उस समय डॉक्टर्स के पास बहुत कम लोग वैक्सीनेशन ले जाते थे, तो उसमें डॉक्टर्स ने कहा था कि थोड़े दिन बाद यहाँ लंबी लंबी कतारें होंगी और वैक्सीनेशन के लिए मारामारी होगी, वो दिन लगता है आ गए हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि वैक्सीन करवाने का फ़ायदा है। सीधा सा फ़ायदा तो ये है कि अगर आपने पहले वैक्सीन करवा ली है उसके बाद में कभी आप पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट में आते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं, उस केस में जो डिजीज़ की सीवियरिटी है वो ऐसी नहीं होगी कि जिससे उसको लाइफ का खतरा हो,
वो माइल्ड फॉर्म में होगी या मॉडरेट फॉर्म में होगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का खतरा नहीं होगा। जो लोग वैक्सीन नहीं करवा रहे हैं और वो अगर पूरी केयर नहीं करते हैं अपनी और पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो डेंजरस स्टेज में पहुंच जाते हैं। ब्लैक फंगस एक नई बीमारी, बीमारी पुरानी है लेकिन कोविड के बाद पेशेंट्स को आने लगी, करनाल में कैसे, हरियाणा में कैसे, किसी जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में स्टेटस क्या है और ये ना हो इसके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपको? अभी कुरुक्षेत्रा जिला के अंदर ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है ब्लैक फंगस का, लेकिन हमने अपनी जो एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से आई है वो सभी को सर्कुलेट कर दी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी भेज दी है, गवर्नमेंट में सभी जगह हमारी पीएससी सीएससी लेवल पे सब जगह भेज दी है। जो ब्लैक फंगस है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस का भी नाम दिया गया है, ये म्यूकोरमाइकोसिस आमतौर पे उन लोगों में ज़्यादा संभावना बनती है जो क्रॉनिक इलनेस वाले पहले से ही केस हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं, जैसे डायबिटीज़ है, किसी के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है किसी का, उन लोगों में जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मूवमेंट कम होती है। अब जैसे जो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं उनमें इम्यूनिटी भी डाउन होती है और ऑक्सीजन जो देते हैं तो उससे भी जो किसी तरीके से लंबी देर तक, काफ़ी देर तक उनके नाक में जो नेजल प्रॉन वगैरह लगी होती हैं उसकी वजह से भी फंगस ग्रो कर सकता है। असल में ये जो म्यूक्रोमाइकोसिस है इसके स्पोर्स होते हैं वो एयर में भी हो सकते हैं, तो जो अगर वो हमारी बॉडी में कहीं म्यूकोसल लेयर पे जाके अटैच होते हैं तो वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और इस फंगस में ये भी होता है कि ये अगर ग्रो करने लग जाए और हमारी बॉडी इम्यूनिटी कम है तो ये टिश्यूज़ के अंदर डेप्थ में भी जा सकती है, इसलिए खतरा है। और इसके लिए एडवाइजरी पूरी तरह से जारी कर दी गई है, ट्रीटमेंट के लिए इसका भी इंजेक्शंस अवेलेबल है, एम्फोटेरिसिन भी, जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है, कमेटी गठित की गई है स्टेट लेवल के ऊपर जिसमें जिसकी जगह से भी कोई डिमांड जाएगी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की वो सिविल सर्जन के थ्रू जाती है, डायरेक्ट भी स्टेट हेडक्वार्टर को भेज सकते हैं और वो कमेटी उसको एनालाइज करके उस डिमांड को रिलीज कर देती है थ्रू वेयर हाउस, तो हम आगे उसको जो कंसर्न्ड हॉस्पिटल है। ब्लैक फंगस इसका जो इसकी वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, ब्लैक फंगस की अवेलेबल है सरकारी स्तर पे, पैनिक की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ऐसे केसेस रिपोर्ट भी नहीं हुए हैं, अगर कोई ऐसा केस नज़र आया तो हम उसके लिए तुरंत जो है दवाई का अरेंजमेंट करवा लेंगे। मतलब एक्टिव केस कम हो रहे हैं, आंकड़ा कुछ डाउन जा रहा है तो खुशी की बात तो है, लेकिन लापरवाही की बात तो नहीं हो सकती, क्या कहेंगे? आंकड़ा जो डाउन जा रहा है वो हम इस पे नज़र रखे हुए हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भी जो मैक्सिमम लोग हैं ना अपनी सैंपलिंग करवाएं, जैसे आज की डेट में अगर 2500 के करीब सैंपल हो गए हैं इंडिकेट करता है कि लोग अवेयर हैं, वो अपने आप को बचाना भी चाहते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो लोग अपना रहे हैं। अब जैसे हमारे पास बहुत बार फ़ोन आते हैं, दिन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्वेरी करता ही रहता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुरुक्षेत्र वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, वो भी जो ना उनकी भी टीम बनी हुई है, वो लोग भी होम आइसोलेशन केसेस के बारे में पूछते हैं, हमारी अपनी होम आइसोलेशन की टीम है वो हर जगह पे हर दिन उन लोगों से बात करते हैं, फ़ोन पे भी करते हैं, होम आइसोलेशन के लिए टीम विजिट भी करती हैं, घरों में भी जाके देखती हैं ताकि उन लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। अगर फिर भी कोई केस की कंडीशन ख़राब होने का डर रहता है तो उसको इमीडिएटली जो ना हायर सेंटर पर भेजने के लिए हम इंतजाम कर लेते हैं। ऑक्सीजन की तो लगभग अब कोई समस्या है, अपने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में कम दिखाई देती है क्योंकि अवेलेबिलिटी हो गई है। ये होम आइसोलेटेड पेशेंट्स होते हैं तो उनके लिए वार्निंग समय कम रहता है जब उन्हें हॉस्पिटल आना ही चाहिए, घर पे रहते हैं तो क्या उसमें ये है कि अगर जैसे हम ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो ऑक्सीमीटर के साथ में चेक करते हैं अगर 93.4 तक है तो कोई डर वाली बात नहीं है, वो अपने घर पे रह सकता है कम्फर्टेबली। अगर 92 ऑनवर्ड्स नीचे को जाती है तो उसको ज़रूरत है मेडिकल केयर की, प्रॉपर मेडिकल केयर की, उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोविड जो कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं जैसे हमारा सिविल हॉस्पिटल है ऐसी जगह पे रेफ़र करने के लिए हम अपने डॉक्टर्स को डायरेक्शन दे चुके हैं और वो करते भी हैं उसको। रात के करीब 9 बजने वाले हैं, 8:30 का टाइम हो चुका है, अभी वह ऑफिस में है, तो एक चैलेंज आप डॉक्टर्स के लिए भी है इस बीमारी से लड़ना, इस पर जीत हासिल करना? नहीं बिल्कुल, हमारा ये मकसद है, हमारा एम है कि हम जो है ना इस कोरोना जैसे भयंकर बीमारी पे विजय पाएं, केसेस रिड्यूस हो ताकि जो ना लोग आराम से चैन से रह सकें। जनता से क्या हेल्प चाहेंगे, सहयोग क्या चाहेंगे? मिशन तो टीम वर्क होगा, सभी लड़ेंगे तभी हारेगा कोरोना। कोरोना से कोरोना को हराने के लिए आवश्यक है कि हम जो नियम बनाए गए हैं उनकी पालना करें,
जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है बहुत महत्व रखती है, अपने हाथ साफ रहने चाहिए, आंखें जो वो भी अगर गॉगल्स लगा के चलते हैं तो वो भी बढ़िया है। मास्क तो बिल्कुल किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के चलें, अन्यथा जो ना कहीं पे भी आपका पुलिस जो चालान कर सकती है और दूसरे फाइन भी लग सकते हैं। पुलिस के चालान से बड़ा कोविड आपका चालान कर सकते हैं, ज़्यादा खतरे हैं मास्क। हाँ, नहीं वो देखो ना, अगर चालान करते हैं तो पुलिस भी चाहती है कि लोग जो ना इसमें जागरूक रहे ताकि जो ना इस बीमारी से बचें। दूसरा वैक्सीनेशन का है कि जहाँ जहाँ वो वैक्सीन जो तरीके से लगाई जा रही है अपना नाम रजिस्टर करें, जो 18 साल से ऊपर वाले और अपना जो ना जो टाइम स्लॉट उनका मिलता है उसमें अपना वैक्सीनेशन करवा लें। कोरोना हारेगा? कोरोना बिल्कुल हारेगा और हम हरा के ही मानेंगे। चलिए हमारे साथ डॉक्टर वर्मा, जिन्होंने कहा कि कोरोना को हरा कर ही हम मानेंगे। हराने वाले हम में डॉक्टर्स फैकल्टी के अलावा हम और आप भी हैं, जिन्हें डिसिप्लिन में रहना होगा, कोविड नियमों का पालन करना होगा और फिर दोबारा खुली हवा में सांस लेने के लिए कुछ अपने आप को सुधारने होंगे, आदतें सुधारनी पड़ेंगी। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क जरूर पहनिए और बार बार हाथ को धोइए। ये नई बातें नहीं है, करीब एक साल से सुनने को आ रहा है, लेकिन अब भी लापरवाह चंद लोगों की बदौलत ये बीमारी बढ़ रही है। डॉक्टर्स जीतें, हम भी जीतें और साथ ही साथ जीते हमारा हरियाणा। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।